जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड बटन को दबा के जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल को जरूर हिट करें। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और नीचे स्क्रॉल करके कमेंट बॉक्स में जरूर से फीडबैक दें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चाय शाय। आज चाय शाय में मैं बनाने जा रही हूँ डोनट्स। या डोनट्स हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं एंड शायद लगता है कि कितना टफ होगा, बट जब मैंने इसको ट्राई किया तो पता चला कि ये बहुत इजी है बनाना एंड ये बहुत टेस्टी भी बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम लेंगे 1/4 कप दूध और इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चीनी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये चीनी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है दूध के साथ, ये देखिए। अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून ईस्ट, हमने ड्राई ईस्ट लेंगे और 2 टीस्पून ये ईस्ट हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। और इसको अब हम ढक के रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। अब हम लेंगे 1 कप मैदा और इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे रिफाइन ऑयल। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ईस्ट हमारी देखिए अच्छे से फूल गई है, इसको मिक्स कर लेते हैं। इसका एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे। ये हमारा डो रेडी हो गया है। अब इसको हम ढक के रख देंगे करीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए ताकि ये जो डो है वो हमारा अच्छे से फूल जाए। ये डो हमारा अच्छे से फूल गया है, ये देखिए। इसको हम अच्छे से मथ लेते हैं। ये देखिए हमारा डो हो गया रेडी, हमने इसका एक बॉल बना लिया है और अब हम इसको बेलते हैं। थोड़ी सी हम सूखी मैदा स्प्रेड करेंगे और इसको हम बेल लेते हैं। ये हमने इसको बेल लिया है। इसकी थिकनेस अबाउट 1/2 इंच होनी चाहिए। हम इसको ना ज़्यादा पतला रखेंगे और ना ही ज़्यादा मोटा करेंगे। अब अगर आपके पास डोनट कटर है तो आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो हम ऐसा कोई राउंड बर्तन लेंगे और एक राउंड कट निकाल लेंगे और किसी भी ढक्कन से या कटर से हम मिडिल में इसको कट दे देंगे और इस तरह से अपने डोनट्स को हम रेडी करेंगे। ये हमने सारे डोनट्स को बेल लिया है, कट कर लिया है और अब हम इनको रखेंगे 15 मिनट के लिए। और रखने से पहले हम इनके ऊपर ऑयल ब्रश कर देंगे। हमने अच्छे से ऑयल ब्रश कर दिया है और इसको एक हम किचन नैपकिन से कवर कर देते हैं
और 15 मिनट के बाद अब हम इसको फ्राई करेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसको हम स्लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे फ्राई करने के लिए। ये देखिए हमारे डोनट्स जो है लाइट ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब इनको हम एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। तो हमारे सारे डोनट्स फ्राई हो गए हैं। हम लेंगे ये मेल्टेड चॉकलेट, इसको मैंने डबल बॉयलर में मेल्ट किया है। अब इन डोनट्स को हम इसमें डिप करेंगे, हमें इसको हाफ डिप करना है। और इस तरह से हम इसको प्लेट में लगा देंगे। इस पे हम स्प्रिंकल यूज़ करेंगे इसको डेकोरेट करने के लिए। आप चाहो तो ग्रेटेड चॉकलेट यूज़ कर सकते हो। एंड इस तरह से हम सारे चॉकलेट्स, सारे डोनट्स को डिप कर लेते हैं।